तो गाइस स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है साल 2022 में साउथ मूवीज काफी ज्यादा सुपरहिट साबित रही थी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ साउथ की पांच ऐसी मूवीज के बारे में जो हमें साल के शुरुआत जनवरी में ही देखने को मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी पांच मूवीज हैं। तो गाइस नंबर 5 पर मूवी आती है पुवन। पुवन मूवी के जो हीरो हैं उनका नाम है एंथनी वर्गेस। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, एंथनी वर्गेस वह हीरो हैं जिन्होंने हमें एंगमली डायरीज और विक्रम जैसी बड़ी एक्शन मूवीज दी हैं और पुवन मूवी में भी हमें एंथनी मेन हीरो का रोल करते नजर आएंगे और उनके साथ दिखाई देंगी अंशमा और वरुण धारा। बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को डायरेक्टर विनीत वसुदेव कर रहे हैं और इस मूवी को राइट करा है रिंकू रानाधीर ने जिन्होंने काफी बड़ी बड़ी मूवीज लिखी हैं। पुवन मूवी को दो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं शिवन बेकर और गिरीश एडी और इस फिल्म को लगभग 20 से 30 करोड़ के बजट में बनाया जा चुका है। ये मूवी 6 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को तमिल और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। अब नंबर 4 पर मूवी आती है वीरा सीमा रेड्डी। वीरा सीमा रेड्डी यह मूवी भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। अब बात करें इस मूवी की कास्ट की तो इस मूवी में श्रुति हसन, दुनी विजय और हनी रोज मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर वीरा सीमा रेड्डी हैं। इस मूवी के डायरेक्टर भी यही हैं और इस मूवी को राइटर भी इन्होंने ही किया है। इस मूवी को प्रोड्यूशन मिथ्री मूवीज मार्किस कंपनी कर रही है। इस फिल्म को 70 करोड़ के बजट में बनाया गया है और यह मूवी भी तमिल तेलुगु मलयालम लैंग्वेज में 12 जनवरी 2023 को बड़े लेवल पर रिलीज होगी। अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मूवी आती है विद्या वसूला अहम। राहुल विजय और श्रीवानी एक और नई फिल्म लेकर आ रहे हैं। विद्या वसूला अहम फिल्म में हमें ये ईगो के बारे में बताते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में ईगो को लेकर काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट है और बात करें विद्या वसूला अहम मूवी की कास्ट की तो इस मूवी में राहुल विजय और शिवानी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म को डायरेक्टर मणिकांत कर रहे हैं और इस मूवी को एडिट सत्य गितूरी कर रहे हैं। यह फिल्म लक्ष्मी नेवी मोटरू और रजनीत कुमार के अंडर में बनाई गई है। विद्या वसूला फिल्म को 35 से 40 करोड़ के बजट में बनाई गई है। इस फिल्म को तेलुगु तमिल मलयालम भाषाओं में एक साथ रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म 14 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ओके। ईगो। अब नंबर 2 पर मूवी आती है थुनीबु। यह मूवी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस मूवी के मेन हीरो अंजीत कुमार अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। अगर आप लोग इनकी कोई भी मूवी देख लोगे तो इनकी मूवी में भर भर कर एक्शन देखने को मिलेगा। और अब बात करें इस मूवी की कास्ट की तो इस मूवी में अंजीत कुमार के साथ मंजू वॉरियर, चिरक जानी और सामू थीराथानी जैसे बड़े स्टार अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। एक्शन से भरी इस फिल्म को डायरेक्टर एच विनोद कर रहे हैं और इस फिल्म को राइटर भी एच विनोद ही करेंगे। थुनीबु फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं बोनी कपूर। यह फिल्म लगभग 100 करोड़ के बजट में बनाई गई है। यह मूवी तेलुगु हिंदी तमिल मलयालम भाषाओं में भी बनाई गई है। यह फिल्म 12 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। வெளிய வர முடியாத பிரச்சனையில மாட்டிக்க போறீங்க। யாரோ ஒருத்த ஆபத்தான விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருக்கா। अब नंबर 1 पर जो मूवी निकल कर आती है उसका नाम है लेकिन। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। हमारी इस लिस्ट की आखिरी फिल्म निकल कर आती है वरीसु। यह मूवी हम सबके फेवरेट हीरो विजय की है और इस फिल्म में विजय के साथ
दिखाई देंगी रश्मिका मंदाना, जिनकी एक्टिंग का भी कोई जवाब नहीं है। वरिसु मूवी बहुत जल्द एक्शन और ड्रामा से भरी हुई देखने को मिलेगी। और अब बात करें इस मूवी के कास्ट की, तो इस मूवी में विजय के साथ रश्मिका मंदाना, श्याम प्रभु और आर सार्थक कुमार जैसे बड़े एक्टर इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। वरिसु फिल्म को डायरेक्टर वैश्मी पंडिपली करेंगे और इस फिल्म को तीन जनों ने मिलकर राइट करा है, जिनका नाम है हैरी और वशिशोर। ये मूवी 200 करोड़ के बजट में बनाई जा चुकी है। ये मूवी 12 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में बड़े लेवल पर रिलीज होगी। तो गाइस, आप लोगों का फेवरेट हीरो कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।